नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है। ये मेरे चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की बीटों बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ बीट ऑलरेडी बना के अपलोड करी भी है और इन फ्यूचर भी मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डीआर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि विंडो 10 के अंदर, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, मतलब आपके सी ड्राइव में विंडोज ओल्ड के नाम से कोई फोल्डर बन गया है तो उसको कैसे डिलीट मारते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी आपका अगर सिस्टम अपग्रेड होता है, विंडो अपग्रेड होता है, तो सी के अंदर ना एक ना विंडो ओल्ड के नाम से एक फोल्डर बन जाता है, जिसकी वजह से आपका खामखा सी ड्राइव का कुछ ना कुछ स्पेस ये ले लेता है। या आप कभी भी विंडो फॉर्मेट करते हो और आपका डाटा है, डाटा का बैकअप नहीं ले पाते, तो भी एक विंडो ओल्ड के नाम से कोई फोल्डर होता है कि नया विंडो डाल देते हैं, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सी ड्राइव है, इसके अंदर जो फ्री स्पेस है ना 36 GB है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं विंडो ओल्ड के नाम से एक फोल्डर है, इसको डिलीट कैसे मारेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है, जिस पीसी को, उसके बाद आपको सी ड्राइव पे राइट क्लिक और प्रॉपर्टी पे जाना है, उसके बाद डिस्क क्लीनर, ये विंडो खोलेगी, इसके बाद क्लीनअप ऑफ सिस्टम फाइल पे क्लिक करना है, ये प्रोसेस चलेगा। आप लोग थोड़ा सा वेट करें क्योंकि कभी कभी यहाँ पे टाइम लगता है। उसके बाद ये विंडो आएगी ना, इसमें से क्या करना है, आपको सबसे टिक मार्क हटाना है, ठीक है, और सिर्फ एक चीज को आपको सेलेक्ट करना है, प्रीव्यू विंडो इंस्टॉलेशन। ये देखिए टोटल 18 GB है, मतलब 18 GB स्पेस इन्होंने ले रखा है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसको ओके करना है और डिलीट फाइल करना है, यस। ये थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप लोग प्लीज वेट करें। तो आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे, इसको एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है, स्पेस हमारी फ्री स्पेस बढ़ गई और यहाँ से आपको विंडोज ओल्ड हट गया। तो इस तरह से आप अपने सी ड्राइव के अंदर से विंडोज ओल्ड के फोल्डर को डिलीट मार सकते हो और अपनी सी ड्राइव के स्पेस को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट में पूछेगा, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बट जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए।